नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा MPhil एंड PhD प्रोग्राम्स में प्रवेश हेतु यूनिराज MPAT एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 एंड 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एवं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट लिंक्स के अंतर्गत हमें MPAT 2019 एंड 2020 का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे, नोटिफिकेशन यूनिराज MPAT 2019 एंड 2020 प्रोस्पेक्ट 2021 इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग फॉर्म गाइडलाइंस फॉर PhD प्रोग्राम्स वैकेंट सीट्स फॉर PhD एंड MPhil इंपॉर्टेंट डेट सैंपल पेपर सिलेबस आदि महत्वपूर्ण लिंक दिखाई देंगे। इसके साथ में रजिस्टर्ड एंड लॉगिन या रीप्रिंट के ऑप्शन भी हमें दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशंस इन MPhil एंड PhD प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान थ्रू यूनिराज MPAT एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशंस में बी सबमिटेड फ्रॉम 3rd अक्टूबर 2021 टू 11th अक्टूबर 2021। द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद फोटोकॉपीज ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड फी रिसिप्ट में बी सबमिटेड इन ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी PG स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर ऑन और बिफोर 15th अक्टूबर 2021। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि MPhil एंड PhD प्रोग्राम्स में प्रवेश हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा यूनिराज MPAT एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाएगा। MPAT हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक रहेगी। अर्थात 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी एवं संबंधित दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ फी रिसिप्ट आदि को जमा कराने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। संबंधित दस्तावेज हम डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी PG स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर में जमा करा सकेंगे। अब बात करेंगे हम गाइडलाइन के संदर्भ में। गाइडलाइन फॉर PhD प्रोग्राम, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। ऑर्डिनेंस 1235 के अकॉर्डिंग यहां पर MPhil एंड PhD प्रोग्राम्स के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ यूनिराज MPAT के संदर्भ में। देर विल बी टू पेपर्स ऑफ ईच MPhil प्रोग्राम एंड एग्जामिनेशन फॉर बोथ। द पेपर शेल बी कंडक्टेड इन ए सिंगल सेशन ऑफ 3 hours ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ द पेपर फर्स्ट विल बी 1 hour एंड ड्यूरेशन ऑफ द पेपर सेकेंड विल बी 2 hours। तो यह स्पष्ट किया गया है कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड का जो आयोजन है सिंगल सेशन में किया जाएगा। 3 घंटे की अवधि के लिए पेपर रहेगा, जिसमें पेपर फर्स्ट की अवधि 1 घंटे की रहेगी और पेपर सेकेंड की अवधि 2 घंटे की रहेगी। पेपर फर्स्ट शेल बी कंटेन क्वेश्चन पार्टनिंग टू रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जर्नल एप्टीट्यूड विथ एम्फाइसिस ऑन लॉजिकल रीजनिंग ग्राफिकल एनालिसिस एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांटिटेटिव कंपेरिजन सीरीज एंड फॉर्मेशन पजल एक्सेट्रा। द सिलेबस ऑफ पेपर फर्स्ट विल बी कॉमन टू ऑल स्ट्रीम्स। पेपर जो फर्स्ट होगा वो सभी के लिए कॉमन रहेगा। द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड फॉर पेपर फर्स्ट विल बी 100 एंड सिलेबस ऑफ पेपर फर्स्ट विल बी नोटिफाई ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट आफ्टर ड्यू अप्रूवल ऑफ द एकेडमिक काउंसिल एंड सिंडिकेट। दीज पेपर विल बी कॉमन
टू ऑल स्ट्रीम्स विथ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड जनरल एप्टीट्यूड विथ एम्फेसिस ऑन लॉजिकल रीजनिंग ग्राफिकल एनालिसिस एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांटिटेटिव कंपैरिजन सीरीज फॉर्मेशन पजल एक्सेट्रा विथ वन करेक्ट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन ईच कैंडिडेट विल हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चन एंड ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड टू मार्क्स। तो यही स्पष्ट किया गया है कि अगर हम सही आंसर करते हैं तो हमें दो अंक दिया जाएगा और गलत आंसर करते हैं तो यहाँ किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब बात करेंगे हम द कैंडिडेट विल हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क्स इन पेपर फर्स्ट फेलिंग विच पेपर सेकेंड विल नॉट बी वैल्यूटेड। ये स्पष्ट किया गया है जो पेपर फर्स्ट होगा पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हमें 40% मार्क्स जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं लाने होंगे 40% मार्क्स अगर पेपर फर्स्ट में आते हैं तो ही आपका जो पेपर सेकंड है वो मूल्यांकित किया जाएगा। ए रिलेक्शन ऑफ 5% ऑफ मार्क्स रूम 45% टू 35% विल बी अलाउड टू दोज बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर एमबीसी नॉन क्रिमिलेयर ईडब्ल्यूएस डिफरेंटली एबल्ड। तो यहाँ पर जो 5% की छूट दी गई है रिलेक्शन दिया गया है यानी एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर एमबीसी नॉन क्रिमिलेयर ईडब्ल्यूएस डिफरेंटली एबल्ड जो कैटेगरी है उन्हें पेपर फर्स्ट के अंतर्गत 35% अनिवार्य रूप से लाने होंगे और जो अदर कैटेगरीज है उन्हें 40% मार्क्स लाने होंगे तभी पेपर जो सेकंड है वो मूल्यांकित किया जाएगा। पेपर सेकंड बेस्ड ऑन सब्जेक्ट शैल बी इंटेंट टू असेस द डोमेन नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट द सिलेबस ऑफ पेपर सेकंड विल बी रिकमेंडेड बाय कंसर्न्ड बोर्ड ऑफ स्टडीज या कमेटी ऑफ कोर्स एंड विल बी नोटिफाई ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट आफ्टर ड्यू अप्रूवल ऑफ द अकेडमिक काउंसिल एंड सिंडिकेट। तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड पेपर फर्स्ट होगा जो जनरल नॉलेज के लिए है रीजनिंग के लिए है और पेपर जो सेकंड होगा वो सब्जेक्टिव रहेगा जैसे ऑल अदर जो इंस्टीट्यूट है जो यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम लेती है उसी बेस पर यहाँ पर ये रखा गया है। इसके अलावा यूजीसी या यूजीसी एंड सीएसआईआर का जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो लिया जाता है उसी के आधार पर यहाँ पर जो एग्ज़ाम है लिया जाएगा। वन हंड्रेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ देयर करेक्ट आंसर विल बी आस्क्ड द मैक्सिमम मार्क्स अलोटेड फॉर पेपर सेकंड विल बी 200 ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड टू मार्क्स। तो ये स्पष्ट किया गया है पेपर जो फर्स्ट होगा वो 100 मार्क्स का रहेगा पेपर सेकंड है ये 200 मार्क्स का रहेगा इस तरह से 300 जो मार्क्स का जो पेपर रहेगा देर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग इन बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। तो यहाँ पर न तो पेपर फर्स्ट में और न ही पेपर सेकेंड में किसी प्रकार की जो नेगेटिव मार्किंग है नहीं रहेगी। एज पर प्रोविजन ऑफ यूजीसी द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में डिसाइड सेपरेट टर्म एंड कंडीशन ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर दोज स्टूडेंट हु क्वालिफाई यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ यूजीसी सीएसआईआर नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ स्लेट गेट टीचर फेलोशिप होल्डर और हैव पास्ड एमफिल प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू एमफिल प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी द वेटीज। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो यूजीसी नेट या यूजीसी नेट जेआरएफ हैं या सीएसआईआर नेट या जेआरएफ हैं या हैव ए पास्ड एमफिल प्रोग्राम तो उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जो यहाँ छूट जो वेटेज है दिया गया है ऑफ 10 मार्क्स विल बी गिविन टू ओनली यूनिराज एमपैट क्वालिफाइड यूजीसी नेट जेआरएफ सीएसआईआर नेट जेआरएफ स्कॉलर्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट फैकल्टी। तो 10 मार्क्स का यहाँ वेटेज दिया गया है 5 मार्क्स विल बी गिविन टू ओनली यूनिराज एमपैट क्वालिफाइड यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट स्लेट गेट इंस्पायर्ड स्कॉलर्स और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट या फैकल्टी। तो 5 मार्क्स का यहाँ छूट दिया गया है विच विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन बोथ पेपर्स पेपर सेकेंड एंड पेपर सेकेंड यूनिराज एमपैट एग्जाम। तो स्पष्ट कर दिया गया है कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड के जो नंबर्स होंगे उनको टोटल करने के पश्चात जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। If in spite of above elections the seat allocate for SCST, OBC, non-criminal, MBC, non-criminal, EWS differently abled remain unfilled, the university shall
लॉन्च ए स्पेशल एडमिशन ड्राइव फॉर दैट पार्टिकुलर कैटेगरी विद इन वन मंथ फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजर ऑफ एडमिशन टू जर्नल कैटेगरी. द यूनिवर्सिटी विल डिवाइज द एडमिशन प्रोसीजर्स एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर दिस पर्पज लेटर. यदि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस डिफरेंट एबल कैटेगरीज की जो सीटें अगर वो कंप्लीट नहीं होती हैं तो ऐसी स्थिति में जो सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी के माध्यम से भरी जाएगी. तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण जो निर्णय है विश्वविद्यालय के द्वारा लिया गया है एमपेट के अंतर्गत. अब बात करेंगे हम वेटेज के संदर्भ में. यहाँ जानकारी दी गई है रिसर्च के लिए, कोर्स वर्क के लिए, एफिलिएटेड एमफिल कोर्स के लिए यहाँ जानकारी दी गई है. एनेक्जेट दिया गया एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, एजुकेशन साइंस कॉमर्स सोशल साइंसेस अवार्ड ऑफ डिग्री एंड पीएचडी डॉक्टर ऑफ फेलोशिप के लिए यहाँ जानकारी दी गई है. अब बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी के संदर्भ में. कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम शैल हैव ए मास्टर डिग्री और ए प्रोफेशनल डिग्री डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू द मास्टर डिग्री बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन द यूजीसी 7-point स्केल. तो स्पष्ट कर दिया गया है कि मास्टर जो डिग्री है उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए. अदर जो कैटेगरीज है एससी एसटी और ओबीसी को यहाँ पर 5% की जो छूट दी गई है, यानी कि 50% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के अंतर्गत तो हम आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा जो 7-point स्केल है यूजीसी के अकॉर्डिंग वो हमें होना चाहिए. प्रोसीजर फॉर एडमिशन, तो सबसे पहले एडमिशन जो टेस्ट है यूनिराज एमपैट का आयोजन किया जाएगा. उसके पश्चात यूजीसी सीएसआर नेट जीआरएफ वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 5% और 10% की छूट का यहाँ प्रावधान किया गया है. मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके पश्चात जो एडमिशन है वो दिया जाएगा. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यूनिराज एमपैट, 3 घंटे का पेपर रहेगा जिसमें पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड रहेगा. पेपर फर्स्ट सामान्य जो जनरल नॉलेज है उसे रिलेटेड रहेगा जबकि जो पेपर सेकंड होगा वो सब्जेक्टिव रहेगा. और इस एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है. पेपर फर्स्ट में 40% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे और जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 35% अनिवार्य है लाना पेपर फर्स्ट के अंतर्गत. इस क्वालिफाइंग मार्क्स होने के बाद ही आपका जो पेपर सेकंड है वो कैलकुलेट किया जाएगा, वैल्यूएट किया जाएगा और उसके बाद में मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. अब बात करेंगे हम वैकेंट सीट के संदर्भ में. वैकेंट सीट्स दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा. क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी. इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है 30/9/2021 तक जो वैकेंट सीट है उनकी जानकारी यहाँ दी गई है. एमफिल सीट्स, सीट्स फॉर पीएचडी एट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, सीट्स फॉर पीएचडी एट रिसर्च सेंटर एंड टीचर कैंडिडेट सीट्स फॉर पीएचडी. तो हम यहाँ एबीएसटी की बात करें तो एबीएसटी में एमफिल की 15 सीटें खाली हैं और डिपार्टमेंटली जो सीट हैं 10 हैं और यहाँ रिसर्च सेंटर में कोई भी सीट नहीं है तो टोटल जो सीट है वो 10 रखी गई है. इसी तरह एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर डिपार्टमेंटली सीट 10 हैं. बायोटेक्नोलॉजी में 3 सीट्स हैं. बॉटनी में यहाँ पर पीएचडी की 8 सीट हैं और यहाँ एमफिल की फ़िलहाल कोई भी सीट नहीं है. इस तरह से हम यहाँ देखते हैं टोटल जो सीट्स हैं वो कितनी हैं, 19 हैं. यहाँ शायद टीचर कैंडिडेट्स की जो संख्या वो दी नहीं गई है तो टोटल यहाँ 19 बार जो टीचर कैंडिडेट्स की जो है वो कितनी है, 19 है. तो 19 और 8 ये सीटें रिक्त रही है जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर 15+3 SFS
और 14 सीट डिपार्टमेंटली हैं। इस तरह से टीचर कैंडिडेट्स की सीट कितनी, यहाँ पर 16। केमिस्ट्री एंड डर्मेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर एमफिल में कोई भी सीट नहीं है, जबकि केमिस्ट्री में डिपार्टमेंटली 34 है और टीचर कैंडिडेट्स की 28 है। ड्रामेटिक्स में 7 डिपार्टमेंटली है, 2 टीचर कैंडिडेट्स की हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग में यहाँ 3 सीट पीएचडी की है और 10 सीट टीचर कैंडिडेट्स की है। ईएफएम में यहाँ 15+1 एसएफएस है और इकोनॉमिक्स में भी 50+3 एसएफएस है। ईएफएम में डिपार्टमेंटली 12 सीट है, रिसर्च सेंटर के लिए 12 है और टीचर कैंडिडेट्स के लिए 11 है। इकोनॉमिक्स में भी यहाँ 15 सीटें पीएचडी डिपार्टमेंटल और यहाँ टीचर कैंडिडेट्स की 8 सीट निर्धारित की गई है। अब बात करेंगे हम एजुकेशन की, तो एजुकेशन में यहाँ पर एमफिल और पीएचडी के लिए कोई सीट नहीं है, जबकि रिसर्च सेंटर के लिए यहाँ पर 17 और टीचर कैंडिडेट्स के लिए 4 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसी तरह से हम सीटों के संदर्भ में यहाँ जानकारी ले सकते हैं। टोटल सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल सीट है 223+25 एसएफएस 248 एमफिल के लिए और पीएचडी के लिए यहाँ 326 है और रिसर्च सेंटर के लिए यहाँ 67 है। इस तरह से टीचर कैंडिडेट्स के लिए 354 सीटें यहाँ निर्धारित की गई हैं। तो यहाँ 38 जो सब्जेक्ट हैं उसके लिए एमपैट का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। अब बात करेंगे हम सिलेबस के संदर्भ में। सिलेबस दी गई लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर हम जो सिलेबस है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। इस तरह से हम डाउनलोड करके आसानी से जो सिलेबस है उसके संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ सिलेबस दिया गया है। इस तरह से यहाँ कॉन्टैक्ट अस में हम जाएंगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या होने की स्थिति में हम संपर्क कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्यूरी रिगार्डिंग यूनिराज एमपैट 2019 से 2020 कैंडिडेट कैन बी, ईमेल आईडी यहाँ दी गई है और यहाँ एड्रेस दिया गया है, इस पर हम संपर्क कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम आवेदन किस प्रकार किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए हमें सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ पर जो प्रोसेस है दी गई है। फीस की बात करें तो सर्वप्रथम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। भुगतान 2,805 रुपये, स्टूडेंट 1,145 रुपये। तो यह हमें भुगतान करना होगा स्टूडेंट के लिए 2,805 रुपये का। यूजर आईडी एंड पासवर्ड हमें प्राप्त होगा, उसके पश्चात हमें लॉगिन होना होगा। लॉगिन होने के पश्चात हमें अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो देनी होगी और इसके पश्चात डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड एमपैट टीचर कैंडिडेट्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, इसके संदर्भ में डिक्लेरेशन फॉर्म और फाइनल सबमिट करना होगा। सबसे पहले हमें रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर हमें कैंडिडेट कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे, जिसमें स्टूडेंट है और टीचर है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को, टीचर है तो टीचर को। इसके पश्चात फुल नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी हम सेलेक्ट करेंगे और इसके पश्चात हमें यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना होगा, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी, कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। इसके पश्चात आधार नंबर, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर फिल करने के पश्चात सबमिट करना होगा। यहाँ पर जो एंट्री है वो ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है नहीं किया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात हमें पासवर्ड प्राप्त होगा और पासवर्ड एंड यूज़र आईडी लेने के पश्चात हमें लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पर जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड का ऑप्शन होगा। फिल करने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक करके हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। सैम्पल पेपर्स के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं जो सैंपल पेपर्स वो भी यहाँ दिए गए हैं।
तो यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं 2018 के जो पेपर्स हैं वो यहाँ दिए गए हैं। तो यहाँ हम अवलोकन आसानी से कर सकते हैं किस तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमें जानकारी आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ प्रश्न का जो प्रारूप है दिया गया है, तो यहाँ से आप इन्हें आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरह से 2018 के जो पेपर्स हैं हमारे पास उपलब्ध रहेंगे, इनका अवलोकन अवश्य करें। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें और इसी के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने के पश्चात ऑल पर क्लिक करें ताकि एमपैट 2019 से 2020 के संदर्भ में जितनी भी अपडेट्स आएगी उन सभी की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE विद अजय सैम के साथ। जय हिंद, जय भारत।